गुड मॉर्निंग बच्चों, कल आपने पढ़ा था राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। आपको बताया गया था कि राष्ट्रपति की शक्तियों को दो भागों में बांटा गया है, सामान्यकालीन शक्तियां और आपातकालीन शक्तियां। राष्ट्रपति सामान्य काल में जिन शक्तियों का प्रयोग करता है वो सामान्यकालीन शक्तियां कहलाती हैं। सामान्यकालीन शक्तियों के अंतर्गत आपने पढ़ी थी राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ, सैन्य शक्तियाँ और न्यायिक शक्तियाँ। अब राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ, राष्ट्रपति आपातकाल के समय अर्थात संकट काल के समय जिन शक्तियों का प्रयोग करता है उन्हें आपातकालीन शक्तियों के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रपति तीन परिस्थितियों में संकटकालीन शक्तियों का प्रयोग करता है। पहली परिस्थिति है, फर्स्ट, युद्ध, बाहरी आक्रमण, या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में अनुच्छेद 352 राष्ट्रपति को जब यह लगे कि पूरे देश में युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति है पूरे देश या देश के किसी हिस्से में, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकता है। इसे राष्ट्रीय आपातकाल के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा संघीय मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श से करता है, जिस पर संसद की स्वीकृति भी आवश्यक होती है। अब तक देश में मात्र 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है। 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था तब आपातकाल लगाया गया था। इसके बाद 1971 में भारत पाक युद्ध के समय, और फिर 1975 आंतरिक अशांति के नाम पर इंदिरा गांधी सरकार ने आपातकाल लगाया था। तो अब तक मात्र 3 बार 352 अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल देश में लगाया जा चुका है। दूसरी आपातकाल लगाया जा सकता है संवैधानिक तंत्र की विफलता पर। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति को जब यह लगे कि किसी भी राज्य में, देखिए संवैधानिक तंत्र का मतलब होता है सरकार, और ये अनुच्छेद 356 के तहत आपातकाल जो लगाया जाता है ये लगाया जाता है राज्यों में, प्रांतों में। जब राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन या किसी अन्य तरीकों से ये ज्ञात हो जाए कि किसी भी राज्य में वहाँ का संवैधानिक तंत्र यानी वहाँ की सरकार संवैधानिक तौर तरीकों से शासन चलाने में विफल हो गई है, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में आपातकाल घोषित कर सकता है।
इसे राष्ट्रपति शासन के नाम से भी जाना जाता है। अनुच्छेद 356 के तहत आपातकाल संघीय मंत्री परिषद के लिखित परामर्श से ही लगाया जा सकता है, जिस पर संसद की स्वीकृति भी आवश्यक होती है। अब तक अनुच्छेद 356 के तहत देश में आपातकाल 100 से अधिक बार लगाया जा चुका है। दरअसल अनुच्छेद 356 का कई बार दुरुपयोग देखा गया है। जब केंद्र और राज्य में अलग अलग दलों की सरकारें होती है, तो ऐसे में केंद्र सरकार राज्यपाल के माध्यम से राज्य में आपातकाल लगाने का प्रयास करती है, तो कई बार इस अनुच्छेद का दुरुपयोग हुआ है, जिसकी वजह से इतनी अधिक बार देश में आपातकाल लग चुका है। तीसरा जो है आपातकाल है, वह वित्तीय संकट की स्थिति में। अनुच्छेद 360, जब राष्ट्रपति को लगे कि पूरे देश या देश के किसी बड़े हिस्से में वित्तीय संकट की स्थिति है, अथवा भारत की वित्तीय साख को खतरा है, तो ऐसे में राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। यहां पर भी ध्यान देने वाली बात यह है कि राष्ट्रपति ये घोषणा अपनी मर्जी से नहीं कर सकता है, राष्ट्रपति ये घोषणा संघीय मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श से ही कर सकता है, जिस पर संसद की स्वीकृति भी आवश्यक होती है। तो बच्चों, आपने पढ़ा आज राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियों के बारे में। तीनों परिस्थितियां अनुच्छेद सहित आपको पता होनी चाहिए। राष्ट्रपति तीन परिस्थितियों में आपातकालीन शक्तियों का, या आप कह सकते हैं संकटकालीन शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। पहली परिस्थिति आपको बताई गई थी, युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में, अनुच्छेद 352। इसे राष्ट्रीय आपातकाल के नाम से जाना जाता है। अब तक तीन बार लगाए। दूसरी परिस्थिति बताई गई थी, संवैधानिक तंत्र की विफलता पर। प्राय प्रांतों में लगता है, राज्यों में लगता है, अनुच्छेद 356 के तहत। अब तक 100 से अधिक बार इसका प्रयोग हो चुका है। और वित्तीय संकट की स्थिति में, जब देश में वित्तीय संकट की स्थिति हो, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय संकट की घोषणा कर सकता है। भारत में 360 के तहत आपातकाल एक बार भी नहीं लगा है। धन्यवाद दोस्तों।